खबर दें बाप को जिनाजी साहिवाल से गुलफाम हैदर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर DIG महबूब रशीद ने मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के हवाले से रीजनल पुलिस ऑफिस साहिवाल में खसूसी इजलास का इनकाद किया, जिसमें साहिवाल रीजन के जिले पुलिस अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शमूलियत की। उन्होंने इजलास में मुहर्रम हराम के पहले अशरे के दौरान निकलने वाले रवायती और लाइसेंस जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। RBO महबूब रशीद ने अहकाम जारी किए। तीनों अजला के DPOs और दीगर पुलिस अफसरान रवायती और लाइसेंसी जुलूसों के रूट्स का पैदल चलकर मुआयना करें। जुलूस के रस्ते की रुकावटों के बरवक्त खात्मे के लिए मुतलका सिविल इदारों के साथ मिलकर नतीजा खेज इकदाम उठाएं। खबर नौशहरो फिरोज से बेचू मंजूर मलिक के मुताबिक नौशहरो फिरोज के नवाही गांव खोड़ो शरीफ में ज़मीन के मामले पर कलहोड़ो बरदरी में झगड़ा, कुल्हाड़ियाँ और डंडे लगने से दो खवातीन मसमात लतीफ़ा समीना और बख्शर सलीम और इसके अलावा पेरोज़ कलहोड़ो समेत पाँच अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल नौशहरो फिरोज मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर जख्मी सलीम ने बताया है कि जुमा खान सलीम और दीगर ने हमला किया, जबकि पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। जितना आसिन अब आपको खबर दें सिंध अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो से आपको खबर दें, जहां पे आपको बताएं कि IBA 5 से आपको बताएं कि 1-5 और इसके अलावा आपको राइट टेस्ट पास करने वाले तुलबा ने एहतजाज किया है। गुलाम हैदर सोलंगी, मीर आकाश कोराई और दिशान मुस्तफ़ा सोलंगी, इमरान दरजरदारी, मोहसिन अली और इसके अलावा दीगर ने आपको बताते चलें कि एहतजाज किया है और कहा कि हम री कनेक्ट टेस्ट पर हाईकोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं। एक साल से कराची हाईकोर्ट में IBA 5 से 15 तक के टेस्ट का केस चल रहा है। अदालती फैसले के मुताबिक IBA का टेस्ट पास करने वाले तुलबा ने इस फैसले के खिलाफ पूरे सिंध सखर लड़काना नवाब शाह दादू और मोरो में दोबारा टेस्ट के लिए इनाकाद के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारे लगाए, कहा कि हम दोबारा टेस्ट के इनाकाद का फैसला नहीं मानते। खबर ने सांगढ़ से ब्यूरो चीफ राना शाहिद खलील के मुताबिक शदादपुर बिजली की महंगाई के खिलाफ मुल्कीर रजाकाराना शटरडाउन पुरअमन एहतजाज के सिलसिले में शदादपुर में दी मोहल सिंध कॉल पर मरकजी चेयरमैन खालिद जहूर बेग और सोशल वर्कर ग्रुप शदादपुर की क्यादत में मुश्ताक सहतू और इसके अलावा दीगर की क्यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शदादपुर बार के सदर गुलाम मुस्तफ़ा सोमरू, प्रेस क्लब के सरपरस्त सैयद इरशाद जफर बुखारी और दीगर ने भी शिरकत की। खिताब करते हुए दी मुगल के चेयरमैन खालिद जहूर बेग और दीगर ने कहा कि बिजली के बिल आप बताएं कि 13 किस्म की जालमाना टैक्स और बिजली के बिलों में आवाम दुश्मन रेट्स ने आवाम की कमर तोड़ दी है और आज मुल्क में पहली बार आवाम की जानब से किसी जमात के प्लेटफॉर्म या अपील के बगैर मुल्की सतह पर हड़ताल और एहतजाज किया जा रहा है। अगर हुकूमत ने मुकर्ररी ने कहा कि जिन इलाकों में 100% रिकवरी है इन्हें लोड शेडिंग फ्री जोन करार दिया जाए। खबर दें बाप को ब्यूरो चीफ आपको खबर दें मंजूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरो फिरोज DEO सेकेंडरी मोहम्मद असलम राजपर ने होने वाली डकैती खिलाफ आपका एहतजाजी मुजाहरा जारी। आपका की जानिब से DEO ऑफिस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली की आदत मंसूर राजपर, अजीम मशहूरी, गुलाम रसूल चन्ना कर रहे थे। बदमनी पर कंट्रोल किया जाए, डाकू गिरफ्तार, अमन अमान बहाल किया जाए, मुलजमान की गिरफ्तारी और छीने गए सामान वापस मिलने के एतराज जारी रहेगा। खबर नौशहरो फिरोज से मंजूर मलिक के मुताबिक नौशहरो फिरोज के शहर दरिया खान मरी में ज़मीन की मालिक आपको बताएं कि मालकी पर खास खेली बरदरी पर झगड़ा, कुल्हाड़ियों और डंडे लगने से 10 अफराद जख्मी। टाउन कमेटी वाइस चेयरमैन अब्दुल हक खास खेली और इम्तियाज़ खास खेली के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें कुल्हाड़ियों और डंडे लगने से इम्तियाज़, हमजा, जुल्फ़िकार, मोहम्मद हनीफ, दानिश अब्दुलरहमान, फजल रहमान, अब्दुलसमद और दीगर सख्त जख्मी हुए। तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल नौशहरो फिरोज मुंतकिल किया गया, जबकि वाकई की ताहाल केस दाखिल न हो सका। खबर दें नौशहरो फिरोज से मंजूर मलिक के मुताबिक पट ईदन में रेलवे स्टेशन पर एक अनोखे अलविदाई पार्टी। आपको बताएं कि पट ईदन रेलवे स्टेशन के खाकरोब काला मसीह की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर दी गई। रिटायरमेंट हासिल करने वाले खाकरोब काला मसीह को सिंधी टोपी, अजरक और फूलों के हार पहनाए गए, जिसमें ढोल की थाप पर रक्स किए गए, मिठाई तकसीम की गई, पार्टी का अहतमाम हुआ। पाकिस्तान रेलवे पुलिस के हेड कांस्टेबल आपको बताते चले कि अब्दुल नबी डोंकी ने कहा कि इस सादा तकरीब के शुरुआत में मिठाई तकसीम की गई, जबकि ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। खबर ने सांगढ़ से ब्यूरो चीफ इब्राहिम खिलजी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको खबर दें कि दो मंशात फरोश गिरफ्तार। सांगढ़ से आपको खबर देते चलें, जहां पे SSP सांगढ़ हुरान नबी केरियो की क्यादत में ट्रैम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई। सिलसिले में SHO पीरो मिल मोहम्मद इसहाक संगरासी ने कार्रवाई करते हुए दो चोरों मोहसिन सियाल और आबिद चांडियों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से चोरी की 3 बकरियाँ बरामद की। इसके अलावा SHO शहदादपुर मोहम्मद हनीफ महर ने मंशात फरोश असद लाखों और साई बख्श बागरानी को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 40 लीटर शराब बरामद की, जबकि SHO टंडो आदम गुलाम शब्बीर ढलवानी ने बिजली चोरी के मुकदमे मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। अरशद अली और सज्जाद भट्टी को गिरफ्तार किया गया है। जितना आसिन अब आपको खबर देते चलें लोथरा से ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद अरशद अराई की रिपोर्ट के मुताबिक
लोधना सिटी पुलिस के जवारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 12 जवारी गिरफ्तार। जवारियों से जुए पर लगाई गई रकम और 10 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल, घड़ियां, मालियत 21,17,000 रुपये बरामद कर ली गई है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इतला पर हुई है। मौके से 7 जवारी भी फरार, जिनकी तलाश जारी है। मुलजिमान से मोबाइल फ़ोन, घड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ताश के पत्ते भी बरामद हुए हैं। आर्जी जुआ खाने का इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखा, लाइट्स, बिजली तार वगैरह सब कब्जे में ले लिया गया है। खबर दें बाप को जितना सिंह बांधी से है। हमारे नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद गौरी के मुताबिक बांधी दही साथ नुसरत गांव गामन जमाली के रहायशी सोनू खान बुकटी और बाबुल बुकटी की अवाम प्रेस क्लब बांधी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता रोज़ मीर हसन जमाली, राशिद जमाली, नज़ीर जमाली और इसके अलावा मक्खन मरी ने हमारे मासूम 14 साल लड़के साईं दाद को तशद्दुद करके ज़बरदस्ती मासूम लड़के साईं दाद और 15 आपको बताएं कि भेड़ रक्षे में उठा कर ले गए और फिर फसल के नुकसान का अजाला लगा कर थाने में बंद कर दिया। बाद में जज के छापे के बाद हमारी 10 भेड़ें कलम 555 के तहत चालान कर दिया और 5 भेड़ें गुम कर दी और हम थाने पर गए तो SHO बांधी गुलजार मरी ने हमें झूठे मुकदमात में डालने का भी कहा और धमकियां दी और कहा कि हम भेड़ें खुद लेकर आए हैं। हमारे लड़के और भेड़ों को ज़बरदस्ती रक्षे में ले जाते हुए वीडियो हमारे पास मौजूद है। पुलिस और बासर मिलकर हमें धमकियाँ और ब्लैकमेल कर रहे हैं।